गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की निक्की और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, निक्की मेकओवर पे। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू लुक क्रिएट किया है जो कि है ग्लॉसी डुई मेकअप ट्यूटोरियल। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अब तक गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज कर लीजिए, ये टोटली फ्री है। और अगर आपको मेकअप वीडियोस देखना पसंद है तो मैं मेकअप के वीडियोस लेके आती हूँ, DIY लेके आती हूँ और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल को आप विजिट कीजिए और देखिए कि आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ नया लेके आती हूँ मैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा मेकअप और देख लेते हैं कि मैंने ये इजी सा मेकअप कैसे क्रिएट किया है। और बहुत ही इजी है, बहुत ही ग्लोई है, आप देख सकते हो मेरा फेस बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने वेट वाइप्स की मदद से अपना फेस क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं डैब डैब कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, वेलो केयर का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है मैंने। और मैं अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे, पूरे फेस पे यूज़ कर लूँगी। आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ हमेशा करना है, विंटर का सीज़न भी आ गया है तो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर हाइलाइटर यूज़ किया है। तो ये मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। इससे आपको बहुत ही एक अच्छा सा डुई ग्लोई आपको मेकअप मिलेगा। तो मैंने इसको हल्के हाथों से डैब डैब करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ क्रालोन पैलेट से, आपका 303 शेड यूज़ कर रही हूँ, ये कलर करेक्टिंग है। मैंने इसको अपने अंडर आई एरिया पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है, वो भी अपने फिंगर के हेल्प से, और इसे हल्के हाथों से डैब 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 कर रही हूँ। देन मैंने फिंगर के हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ अपने कलर करेक्टर को सेट करने के लिए। देन मैंने यूज़ किया है फिटमी का फाउंडेशन, मेबलिन फिटमी फाउंडेशन। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। बहुत ही मैंने पतला लेयर यूज़ किया है, ज़्यादा फाउंडेशन का अप्लाई नहीं किया है इस मेकअप के लिए। आप देख सकते हो मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आपको ब्लेंडिंग पे अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसके बाद हमारा मेकअप क्रीज ना करे इसलिए मैंने यूज़ किया है मैक का कॉम्पैक्ट। और मैंने इसको अपने जहाँ जहाँ पे हमारा क्रीज आ जाता है या हमारे जो भी लाइंस आ जाते हैं उस जगह पे हम लोगों को कॉम्पैक्ट इस्तेमाल कर लेना है। देन मैंने अपने आईब्रोज़ फिल किए हैं तो आईब्रो के लिए मैंने यूज़ किया है एनास्टाशिया ब्रेवरी हिल्स का ब्राउ डिफाइनर यूज़ किया है। मैं अच्छे से अपने आईब्रोज़ फिल कर लूँगी और मैं आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा मतलब शार्प और इवन लुक नहीं दे रही हूँ, बस जस्ट मैंने नॉर्मली आईब्रोज़ फिल किए हैं। देन मैंने शिवाना पैलेट से कंटूर शेड यूज़ किया है और इसको अच्छी तरीके से अपने क्रीज पे ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का 04 शेड आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, चार्मिंग डायमंड आई शेडो। इसको मैं अपने आईलेट्स पे अच्छी तरीके से डैब डैब करके लगा लूँगी अच्छी तरीके से। आज मैं ज़्यादा आई शेडो अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस इसको हल्के हाथों से फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग से ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर या फिर किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। देन मैं अगेन जो कंटूर शेड है उसको अपने क्रीज पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। देन इसके बाद मैंने हल्के हाथों से जस्ट अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं नोज़ कंटूर कर रही हूँ अपने फिंगर की मदद से। तो अच्छे तरीके से मैंने अपने नोज़ कंटूर कर लिया है, देखो आप कितनी अच्छी तरीके से मैंने कंटूर कर लिया। आप भी इस तरह अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत इजी होता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत अच्छा सा कंटूर कर सकते हो।
देन इसको हाथ से फिंगर की मदद से कंटूर करने के बाद मैं थोड़ा ब्रश की मदद से फिर से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि वो हार्श लाइंस हमें ना दिखे, क्योंकि मुझे हार्श लाइंस नहीं दिखाना है। तो इसलिए मैंने ब्रश की मदद से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ मश्करा जो कि है मेबलिन का लैश सेंसेशनल मश्करा। तो मैं अपने लैशेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी, लोअर लैश पे भी अप्लाई करूँगी। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है लिप लाइनर जो कि है ग्लैम 21 का। तो मैं इसको अच्छे तरीके से मैंने फिल कर लिया है। इसके बाद मैंने मेबलिन का लिप ग्लॉस यूज़ किया था लिप्स पे। देन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपका फ्रूट जेली का लिप बाम अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर की जगह। तो ये एज अ ब्लशर ही काम करेगा। तो ड्यूई फिनिश के लिए मैंने ये फ्रूट जेली का लिप ग्लॉस यूज़ किया है। ये मैं अपने थोड़े नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो सन बर्न वाला इफ़ेक्ट आए, और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही ग्लोई अच्छा सा फिनिश देता है। तो मैंने इसको हल्के हाथों से फोरहेड पे और अपने दोनों चिक्स पे और थोड़ा से नोज़ पे भी अप्लाई किया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेली हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मुझे थोड़ा और ड्यूई फिनिश चाहिए था और ग्लोई फिनिश चाहिए था, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको अप्लाई कर लिया, फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने अपने हाइलाइटिंग एरिया जो हमारा टी जोन एरिया होता है इस पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद अच्छी तरीके से हमें इसे फिंगर की मदद से या ब्रश की मदद से, आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उससे ही ब्लेंड कर सकते हो। आपको अच्छी तरीके से बस ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है आप देख सकते हो कि ये लुक बहुत ही परफेक्ट रहेगा। देन मैं फिक्सर की मदद से अपना मेकअप फिक्स कर रही हूँ। तो मैंने मास का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, आप देख सकते हो ये है फाइनल लुक, ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, टोटली फ्री है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और आगे भी आप लोगों के लिए मैं नई नई वीडियोज़ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ गाइज मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को और इस वीडियो को एक प्यार, छोटा सा प्यार और थम्स अप जरूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तक